SSH इंडिया। अपना हिसाब किताब जनता को देंगे। आज लोकसभा का चुनाव है और 5 साल में राजा महाराजाओं की पार्टी तो है नहीं, राजा महाराजाओं में तो वंशवाद चला आ रहा है। मतलब उन्होंने तो ऐसा बना रखा है कि वो जब तक रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री वही रहेंगे, वंशवाद। यह चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव है। हमारे चेयरमैन साहब बात कर रहे थे, अपने कामों का हिसाब दे रहे थे, अच्छी बात है। मेरे विधायक जी ने भाषण दिया, अपने कामों का जिक्र किया, अच्छी बात है। चुनाव होते हैं हमारे यहां, पार्षद का चुनाव है, प्रधानी का चुनाव है, विधायक का चुनाव है, ये चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव है। जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो मेरे समेत, हमारे विधायक जी के समेत हम सब लोग अपनी विधानसभा में हमने क्या क्या किया 5 साल, उसका भी आपको हिसाब किताब देंगे। जब मेरे यहां के चेयरमैन अपना कार्यकाल पूरा करेंगे तो उस समय भी आप अपना हिसाब किताब जनता को देंगे। आज लोकसभा का चुनाव है और 5 साल में हमने क्या किया, इसका हिसाब किताब भी आज हम जनता को देते हैं। क्योंकि हम राजा महाराजाओं की पार्टी तो है नहीं, राजा महाराजाओं में तो वंशवाद चला आ रहा है। मतलब उन्होंने तो ऐसा बना रखा है कि वो जब तक रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री वही रहेंगे, वंशवाद ऐसा उनका कि नेहरू जी के बाद कौन, इंदिरा जी, और इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी, और उसके बाद जीजा जी भूलवे, और उसके बाद प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा जी, और नई पीढ़ी भी तैयार हो रही है। देखा, लॉन्च करते हैं वो धीरे धीरे, कार्यक्रमों में देखने को मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं इस तरह से। तो हम पहली बार ऐसा हुआ है, अभी तक तो होता था कि प्रधानमंत्री की कोख से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की कोख से मुख्यमंत्री, और पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्ण बहुमत की सरकार का प्रधानमंत्री एक गरीब मां की कोख से पैदा हुआ है। और इसीलिए पहले दिन से ही चिल्ला चिल्ला कर प्रधानमंत्री से हिसाब मांग रहे हैं। और कौन लोग हिसाब मांग रहे हैं, जिन्होंने 55 से 60 साल तक इस देश में एक छत्र राज किया है। आपने पहले दिन से देखा होगा, मतलब पेट में इतनी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का ग्रोह बना लिया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, चीन भी शामिल है, ऐसा ग्रोह बना लिया। और जब सरकार बनी थी नई नई, तो आपने देखा होगा एक पुरस्कार वापसी वाला ब्रिगेड बन गया था, बना था कि नहीं बना था। देश में कहीं भी कोई घटना हो जाए, उस पूरी घटना के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार बने। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, प्रदेश में कहीं भी कोई घटना हो जाए, अगर प्रदेश में आज कहीं कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी सरकार की है, क्योंकि हमारी सरकार है यहां। लेकिन मेरठ में कोई घटना हो गई, कहीं दंगा हो गया, झगड़ा हो गया, अरे अब वहां एक यूनिवर्सिटी है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, भाई बच्चों को समझाने की बात होती है। अगर बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए या नहीं समझाना चाहिए? वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, वहां नारे लगा रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे भाई ये क्या है, ये मुल्क हमारा है, 130 करोड़ जनता यहां रहती है। आप जिस देश में रहते हैं उस देश को ही तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर कहीं कोई भ्रमित करने का काम कर रहा है, विदेशी एजेंसियां अगर कहीं हमारे देश में इस तरह का द्वेष पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, तो उन बच्चों को, नौजवानों को समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए ना? उसका भी जाकर समर्थन करके आएंगे कि नहीं भाई, ये तो स्वतंत्रता है, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। भाई अभिव्यक्ति की आजादी है तो कोई अपनी पत्नी को मां कहता है क्या, कहता है क्या अपने पिताजी को कुछ और कहता है क्या? तो जब इतनी समझ उसको है तो अपनी मातृभूमि के टुकड़े टुकड़े करने की आजादी मेरे देश में उसको नहीं दी जाएगी।
चुनने जा रहे हैं, जिसकी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं है। एक गरीब परिवार में जन्म व्यक्ति की सरकार आज केंद्र में है। हमारी सरकार से पहले महंगाई एक बड़ा मुद्दा था कि नहीं था? अरहर की दाल के लाले पड़ जाते थे, चने की दाल के लाले पड़ जाते थे, मसूर की दाल के लाले पड़ जाते थे, उड़द की दाल तो मिलती ही नहीं थी, वो तो 250 रुपए किलो से ऊपर बिकती थी। मैं सच बोल रहा हूं, आलू टमाटर प्याज के लाले, अरे गरीब आदमी को क्या चाहिए, रोटी चाहिए और प्याज चाहिए, और ये गर्मी में धूप में तो भाई प्याज तो सबसे बड़ा साधन है, प्याज के भी लाले पड़ जाते थे क्योंकि जमाखोरों। महंगाई पर पूरी तरह से सरकार ने नियंत्रण पाया, बड़ा मुद्दा था गरीब का, हमने मुद्दे को समाप्त किया। दूसरा मुद्दा था भ्रष्टाचार का। हर दिन आप देखते थे नए घोटाले, कभी कोयले का घोटाला, कभी एयरसेल मैक्सिस डील का घोटाला, कभी बीआईपी चॉपर का घोटाला, कभी नेशनल हेराल्ड का घोटाला। रेडियो चालू करो तो घोटाला, टीवी चालू करो तो घोटाला, अखबार पढ़ो घोटाला, चाय की दुकान पर चर्चा करो तो घोटाला, कचौड़ी खाने जाओ तो घोटाला। चर्चा होती थी कि नहीं होती? जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है आज तक तो ये घोटाले का नाम सुनाया, नियंत्रण पाया नहीं पाया? दूसरा, देश की इकोनॉमी, जो हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए देश की इकोनॉमी अगर अच्छी होगी तो सड़कें बनेंगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जब देश की इकोनॉमी खराब हो जाएगी, आप देश को कहीं विदेशों में गिरवी रख देंगे तो ये खर्चे देश के कैसे चलेंगे? हमने देश की इकोनॉमी को ठीक किया। आज दुनिया की मैं तो चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारी देश की कहता हूं, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। और चौथा मुद्दा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या है? 130 करोड़ भारतीय है, हम पहले भारतवासी है कि नहीं है? उसके बाद हमारा कोई धर्म है, उसके बाद हमारी कोई जाति है, सबसे बड़ा हमारा है कि हम भारत के लोग हैं। 130 करोड़ जनता, हम भारत के नागरिक हैं, हमारी पहचान एक भारतीय की है। तो इस देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसके पास है? सरकार के पास है। और सरकार ने पूरी ईमानदारी से हमारा देश कैसे सुरक्षित रहे इसकी कार्ययोजना, इसका खाका तैयार किया। राजनीतिक इच्छा शक्ति उनके पास नहीं थी, वो टालते गए, बयान देते गए, बोलते गए, और कहीं ना कहीं उस पूरी घटना को भी राजनीतिक कलर देने की कोशिश की गई थी कि नहीं की गई थी? जहां सीधा सीधा एक आतंकवादी उसके लिए जिम्मेदार है और सेना हमला करना चाहती है, जवाब लेना चाहती है, बदला लेना चाहती है, आपने सेना को खुली छूट नहीं दी। यह था रिमोट कंट्रोल से चलने वाला प्रधानमंत्री, जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया। अब आ जाओ मजबूत प्रधानमंत्री पर, जो देश की भावनाओं से चलता है। हमारी सरकार में उरी में हमला हुआ, पठानकोट में हमला हुआ, आपको याद होगा कि ये सब विरोधी नरेंद्र मोदी जी का सीना नापते थे कि नहीं नापते थे? अरे देखो घटना हो गई, ये 56 इंच का सीना कहां है, ये 56 इंच का सीना कहां है, ढूंढते थे वही ढूंढते थे। हम जाकर सेना ने उरी का और पठानकोट का बदला लिया, आतंकवादियों को उनके कैंपों में जाकर निस्तारण किया। उसके बाद बेईमान पाकिस्तान की सह प्राप्त जो आतंकवादी गुट हैं, जैसे मोहम्मद, उसका जो सरगना है, उसने कायराना हमला पुलवामा में कराया जिसमें हमारे चावा सिपाही शहीद हो। आपने देखा होगा रात को भारत सोया नहीं था, देशवासी सोए नहीं थे उस दिन, इतना आक्रोश, इतना गुस्सा भारत के लोगों में था और सब में था। मैं इसको बांटूंगा नहीं, हर भारतीय के अंदर गुस्सा था, क्योंकि जब फौज में हम वर्दी पहनते हैं तो वहां एक ही हमारा धर्म होता है, वो होता है राष्ट्र धर्म, वहां कोई जाति मजहब की बात नहीं होती। और उसमें हमारे लाडले
इस बार मोदी जी ने हवाई रास्ता चुना और हमारी सेना ने आतंकवादियों के कैंपों पर हमला किया और नेस्तनाबूद किया, पुलवामा का बदला लिया और वापस अपनी सीमा में आ गए। ये होता है आप लोगों के दिलो दिमाग से चलने वाला प्रधानमंत्री का फैसला, मजबूत सरकार के प्रधानमंत्री का फैसला, मजबूत भारत के प्रधानमंत्री का फैसला। और 2008 में एक ऐसी सरकार, एक कायर सरकार थी जो फैसला नहीं ले सकती थी, उसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर 2008 में बालाकोट हो जाता, आतंकवादियों के जो कैंप थे नष्ट हो जाते, तो 2019 में जो हमला हुआ है ये नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरकार कितनी सजग है। और वही आपकी बुनियादी आवश्यकताएं कैसे पूरी हों, भाई घर में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने आप लोगों को यानी कि हम सब लोगों को एक पैकेज दिया। उस पैकेज में क्या दिया, घर में मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया, बहन बेटियों के लिए शौचालय दिया, घर में बच्चों के और बुजुर्गों की दवा के लिए 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष आयुष्मान भारत का कार्ड दिया। 5 घंटे आ गई, 5 घंटे आ गई, 6 घंटे आ गई, मुझे सामने वाले तो बता रहे थे कि पहले तो बिजली गायब ही रहती थी। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी बनारस में, तो होटल वाले ने कुछ गड़बड़ कर दिया, उसने जैन सेट चला दिया। अब पत्रकारों को लगा कि ये तो बीच में बत्ती गुल हो गई, तो अखबार में छाप दिया कि 12 मिनट के लिए बिजली हुई गुल। अब मैं भाषण कर रहा हूं, कोई तकनीकी खराबी आ जाए, बिजली अगर गुल हो जाए, ऊर्जा मंत्री की भाषण, ऊर्जा मंत्री के नुक्कड़ सभा में बिजली हो गई गुल। ये नहीं लिखेंगे कि 2 मिनट में आ गई या 5 मिनट में आ गई, बत्ती हो गई गुल। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि बिजली आपको लगातार मिल रही। अब आप तो मेरे बड़े बुजुर्ग साहब बैठे हैं यहां, ऐसी दूधिया रोशनी कभी मार्केट में देखी पड़ी, ये क्यों संभव है, ये मोदी है तो मुमकिन है। ये जो लाइट देख रहे हो ये मोदी जी की कृपा है, ये शौचालय जो गांव में दिए मोदी जी की कृपा है, ये आयुष्मान भारत तो मोदी जी की योजना है, किसान को सम्मान निधि तो मोदी जी की योजना है, व्यापारियों को 20 लाख से 40 लाख किया तो मोदी जी ने किया। और अभी एक नई बात जिस पर मैं काम कर चुका हूं चुनाव से पहले, वो यहां के जो कालीन बनाने वाले लोग हैं उनकी एक बड़ी मांग आ रही थी कि हमें ऐसी जगह आप शिफ्ट करा दो जहां बिजली जाए नहीं। मैंने कहा विधायक जी चिंता मत करो, आचार संहिता से पहले ही मैंने 24 घंटे बिजली के आदेश कर दिए। और अब आने वाले समय में मैंने अपने अधिकारियों को चुनाव आचार संहिता से पहले ही आदेश दे दिया कि भाई भदोही में ऐसे फीडर बना दो जहां पर, जिससे कि भदोही में जो कालीन बनाने वाले लोग हैं उनको ट्रिपिंग की भी समस्या ना आए, बिना किसी व्यवधान के 24 घंटे उनको बिजली मिलती रहे, इस तरह की व्यवस्था भी भदोही में हम करने वाले। ईद पर भी मिले इसकी चिंता हमारी सरकार, हम कहते नहीं है हम करते, हमारा काम बोलता है। अगर कोई अपने अंदर दिल पर हाथ रख के बोले तो कहेगा कि नहीं भाई बिना भेदभाव के मोदी जी की सरकार काम कर रही है। और कुछ लोग आतंकवाद को कहीं ना कहीं किसी धर्म के साथ जोड़कर देखने की बात करते हैं, आतंकवादी आतंकवादी होते हैं। आज अगर हम आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रहे हैं तो हमारे भारत के नागरिक रात को आराम से सो सके, इसके लिए हम आतंकवाद के सहाय के लिए कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। महाधर्म महाधर्म तो प्रदेश के अंदर अब गुंडे ही करने की छूट हमारी सरकार में किसी को नहीं है। सड़क पर, गली के नुक्कड़ पर, चौराहे पर दादागिरी करते थे, गुंडई करते थे कि नहीं करते थे। राजनीतिक संरक्षण उन लोगों को प्राप्त होता था कि नहीं होता था, मतलब गुंडा पीछे होता था और प्रदेश की पुलिस आगे होती थी कि नहीं होती थी। अब पुलिस का डंडा पीछे है और अपराधी भागता हुआ दिखाई दे रहा है। गुंडई करने वाले अब आपको दिखेंगे नहीं कहीं,
हिम्मत नहीं होगी गुंडई करने वाले किसी की। और जो गुंडई करता है वो समाज के ऊपर अपशाप भप्पा है, ताड़ है। और हमारी सरकार में ऐसे लुच्चे लफंगे गुंडों को कोई राजनीतिक संरक्षण मेरी सरकार नहीं देती है। ये समाज में रहते हैं, सभ्य समाज है। वहां पर गुंडई करने की छूट लाइसेंस हमारी सरकार में किसी को नहीं है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। और गुंडा गुंडा होता है, मवाली मवाली होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। पहले जाति और धर्म के नाम पर गुंडे और मवालियों को संरक्षण देने का काम होता था। आज मेरी सरकार में गुंडे और मवालियों को कानून के डंडे से सबक सिखाने का काम किया जाता है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे अपील करने आया हूं, आज समाज में सुख चैन है। आज उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दंगा फसाद करने की किसी की हिम्मत नहीं है। अगर करने की कोशिश करेगा तो कानून का डंडा इतना है कि उसके दादा परदादा भी ऊपर से आ जाएंगे उसको याद दिलाने के लिए। क्या सोचना मत, कभी आने वाली पीढ़ियां कभी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगी कानून के साथ खिलवाड़ करने की। इस तरह की सरकार काम कर रही है। कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। यह सरकार है, यह सरकार का इकलाल है, यह सरकार का भरोसा है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे अपील करने आया हूं, जो योजनाएं मैंने बताई हैं, जो शासन प्रशासन आप हमारा देख रहे हैं, यह बदस्तूर ऐसे ही जारी रहे, अमन चैन सुख इसी तरह से भदोही में बना रहे, हमारा भाईचारा बना रहे, इसी के लिए 12 तारीख को कुछ नहीं करना, केवल बूथ पर जाना है, पोलिंग बूथ पर जाना है और कमल के मोहर पर मोहर लगाना है। नरेंद्र भाई मोदी को दोबारा से देश का प्रधानमंत्री, बाकी सब हम देख लेंगे, चिंता मत करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीवाणी को विराम देता हूं। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद। भदोही नगर में ऐतिहासिक रामलीला होती है जो वृंदावन से आती है। ये सभा के समापन के